अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई लोग, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको अपने फार्म लेके आया हूँ जिसका नाम हमने रखा हुआ है SR ब्रीडिंग फार्म। आपको दिखाते हैं कि इस फार्म में क्या क्या चीज है, आइए। इससे बड़ा परिंदा दुनिया में नहीं है, बर्ड्स की दुनिया में इसको आप बर्ड्स का डायनासोर भी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है अब तक, और जो दुनिया में अलाइव है, और दुनिया में सबसे बड़ा अंडा भी अब तक इसी का है। इसके अंडे का वेट 1.5 किलो तक भी हो सकता है। इसकी जो स्किन है वो बहुत प्रोडक्ट में यूज़ होती है। इसका इवन मीट जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल फ्री मीट है इसका। और इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि जितनी बड़ी इसकी आई है इतना ही बड़ा इसका ब्रेन है। इसको आप ब्रेनलेस बर्ड भी कह सकते हैं एक तरीके से। इसमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वाइट ऑस्ट्रिच कह लें इसको आप, या वाइट ईमो कह लें। ये ईमो की फैमिली से ही बिलोंग करती है। ये मेरे हिसाब से 4th लार्जेस्ट बर्ड ऑन प्लेनेट है। इसमें दोनों मेल फीमेल वाइट कलर के होते हैं, और ये साउथ अफ्रीकन ही ब्रीड है। ये 2nd लार्जेस्ट बर्ड ऑन प्लेनेट है ईमो, और इनकी स्पेशलिटी ये है ये ग्रीन कलर के अंडे देते हैं। और इनकी साउंड जो है वो सेम लाइक हैवी बाइक, जैसे हैवी बाइक चलती है ना, वही सेम साउंड निकालते हैं, या ढोल बजाने वाला साउंड कह लें आप, उस टाइप का आवाज़ निकालते हैं। बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी। इस पर्दे के पीछे है दुनिया का सबसे ख़तरनाक परिंदा। गूगल पे आप लिखेंगे वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बर्ड ऑन प्लेनेट तो आपको ये दिखेगी। इसका नाम है कासोवारी। ये बहुत कलरफुल बर्ड है, 3rd लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ बर्ड है दुनिया में। और इसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए। देखा जैसे कि ये इतनी डेंजर है कि इसको पर्दा लगा के रखना पड़ता है, वरना ये एग्रेसिव ही रहती है। इसमें ये इसकी फीमेल है, फीमेल हमेशा एग्रेसिव होती है, और वो जो पीछे बैठा हुआ है वो इसका मेल है। इसके फीट हैं जिससे ये मुर्गे की तरह हमला करती है, और नेल्स हैं जिससे ये इंसान को सेकंडों में फाड़ देती है। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल ब्यूटी। ये है असल ब्यूटी, जेम्स बक ऑरेक्स, ऑरेक्स की सबसे बड़ी ब्रीड जेम्स बक। एडेक्स जिसे हम वाइट एंटीलोप भी कहते हैं, ये ऑलमोस्ट दुनिया में खत्म हो चुके थे 2001-2 तक, जब इनकी क्वांटिटी कोई 300-400 ही रह गई थी। फिर इसके ऊपर यूएई ने, दुबई ने बहुत अच्छा काम किया, इसकी कंजर्वेशन बनाई और इनकी वहाँ ब्रीड करी। अब इन्होंने वापस जाके इनको वाइल्ड में भी छोड़ा है। अब ये वाइल्ड में 500 हैं पूरी दुनिया में, और कैप्टिव के अंदर 2000 के करीब बचे हुए हैं। ये एक तरीके से ख़त्म हो चुके थे, और इस ब्रीड को वापस बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान में भी अब हैं माशाल्लाह। अरेबियन ऑरेक्स बेसिकली ये डेजर्ट्स के एनिमल हैं, जो ज़्यादातर अरेबियन साइड में पाए जाते हैं, सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये वहीं तक महदूद थे, लेकिन 2011 के बाद से इनकी पॉपुलेशन वहाँ थोड़ी ज़्यादा हुई है, दुबई के अंदर इनकी फार्मिंग बहुत अच्छी हुई है। तो ये इनकी फार्मिंग इतनी हुई तो फिर अब ये वहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुए हैं। ये पाकिस्तान में पिछले कोई 10 साल से बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। सहारा ऑरेक्स ऑल्सो नोन एज स्किमिटर ऑरेक्स, ये भी ऑरेक्स की ही एक ब्रीड है। अरेबियन ऑरेक्स के एंटलर्स सीधे होते हैं, इनके हॉर्न्स जो होते हैं वो कर्व में होते हैं। ये उसी की ही ब्रीड है, और आपने इसका लोगो कतर एयरवेज पे, जिसने कभी ट्रेवल किया होगा तो उसका जो लोगो है ये इन्हीं के उस पर लोगो है, और ये कतर का नेशनल एनिमल है। ये भी डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इन्हें स्किमिटर ऑरेक्स कहते हैं। खूबसूरत हिरन, इनको कहते हैं चीतल इंग्लिश में, एक्सेस डियर, और कुछ लोग इनको स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिरन हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत शाय ब्रीड होती है। हॉक डियर, इंग्लिश में इसे हॉक डियर कहते हैं, उर्दू में इसे पहाड़ा और बारासिंगा भी कहलाया जाता है। ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिरन हैं, इनमें कोई स्पॉट्स नहीं होते। ये बेसिकली फैमिली से बिलोंग करते हैं चीतल
एक्सेस डियर की ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये स्पॉटलेस होते हैं। ये है मिनिएचर हॉर्सेस, जिन्हें हम लोग शेटलैंड पोनीज भी कहते हैं या बोने घोड़े भी कहते हैं। I'm still falling, whoa, but it tastes bittersweet, whoa, I keep on falling, whoa. हमारे डबल हम कैमल, हम लोग बैक्टेरियन कैमल भी कहते हैं या दो कुहान वाले ऊंट भी कहते हैं। ये है रानी पाकिस्तान, छह दांत की गाय माशाल्लाह। इसकी हाइट, टोटल हाइट जो है वो 24 इंच है शोल्डर तक, और ये पंच फेस में है। इसको काफ़ी लोग किसी पॉलिटिशियन से भी हमारे मिलाते हैं, लेकिन वो आप लोग बताएंगे किससे कमेंट में करके। ये है रानी पाकिस्तान। समझता कि कराची के अंदर इससे बड़ा और इससे खूबसूरत लायन इंक्लोजर किसी ने बनाया होगा, और इसके अंदर पौंड भी दिए गए हैं। बकायदा क्रेन से ला ला के बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। लायन किंग मूवी का जो थीम था उसमें जो पहाड़ पे शेर बैठा हुआ के धाड़ रहा होता है, उसी टाइप का हमने क्या नाम है पूरी कोशिश करी है कि उनको एटमोसफियर दिया जाए। बाकी लश ग्रीन इनको कारपेट गार्डन दिया गया है, सर्दियों के लिए इनके अंदर हीटर और गर्मियों के लिए इनके ऊपर मस्नूई बारिश आर्टिफिशियल रेनफॉल का भी सिस्टम किया गया। ये है मोस्ट रेयरेस्ट लायन, इन्हें हम कहते हैं बर्बरी लायन। इसमें जो इनका आधा धड़ होता है, ये जो आम लायन होते हैं अफ्रीकन वो गोल्डन होते हैं, और ये जो है ब्लैक शेड में होता है, इसे हम कहते हैं बर्बरी लायन। ये लायन की एक बहुत रेयर म्यूटेशन है। आए आपको लेके चलता हूँ अपने मंकी हाउस, जहाँ ऐसे ऐसी ब्रीड के मंकी हमने रखे हैं जो आपने शायद पहले ना देखे हो कभी। होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जानवरों की दुनिया की। हमने कोशिश की है कि जानवरों को उसका एटमॉस्फेयर, नेचर, हर चीज़ उनको दी जाए। तो ये छोटी सी दुनिया बनाई है हमने जानवरों की, पूरा जंगल बनाया है। होप आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी कमेंट में राय करके मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये फार्म अभी तक पब्लिक नहीं है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम लोग इंशाल्लाह इधर पब्लिक के लिए इसको ओपन करेंगे। उस हिसाब से हम लोग इसको, इसकी शिफ्टिंग और इसकी जो मैनेजमेंट है वो कर रहे हैं, जूस को और स्कूल्स को और इवन पब्लिक के लिए भी इस फार्म को ओपन करेंगे। तो जब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें, दुआओं की दरख्वास्त है, और सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।